हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में अभी हम लोग सी कॉस्ट शिपिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाम से स्पष्ट है कि कंपनी समुद्री जहाज या उससे संबंधित कामकाज करती है। कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल के माध्यम से कंपनी के शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव होगा, ये सभी चीज़ मैं आने वाले कुछ ही क्षण के अंदर बताने वाला हूँ। इसी सब मुद्दे पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कुछ लोग जो ऊपरी लेवल पर बाय करके फंसे हैं उन्हें क्या करना है, चाहे कोई यदि नया व्यक्ति जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उन्हें क्या करना चाहिए, इस सब मुद्दे को इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिए, सी कॉस्ट शिपिंग लिमिटेड का शेयर प्राइस आज के दिन 2.73 रुपये के आसपास चल रहा है और आज के दिन देखेंगे तो इसमें तकरीबन 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पर पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में तकरीबन इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 3.5% के आसपास। एक माह से देखेंगे तो इसने 16.5% के आसपास माइनस में रिटर्न किया है। वहीं पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में स्टॉक का जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ आते हुए आपको दिखाई देगा, यानी कि पिछले 6 मंथ में तकरीबन 32% के आसपास स्टॉक टूटा है, कुछ कमा के नहीं दिया है। तो कमा कर कब दिया है ये आप देखेंगे स्क्रीनर की वेबसाइट पर। ये रहा स्क्रीनर का वेबसाइट और यहाँ पर मैंने सी कॉस्ट शिपिंग लिमिटेड कंपनी का चार्ट ओपन किया हुआ है। मैक्सिमम चार्ट मैंने इसका ओपन कर दिया है। मैक्सिमम चार्ट पर जो आप देखेंगे तो बातें खूब आसानी से आपको समझ में आएगी। देखिए, मई 2020 से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मई 2020 से इस कंपनी का शेयर प्राइस उठना शुरू हो रहा है। यहाँ तक तकरीबन मई 2022 तक, यानी कह सकते हैं 2 सालों तक इस कंपनी का शेयर प्राइस अप ट्रेंड में रहा। अप ट्रेंड में रहा यानी कि 2 सालों तक लोगों ने इसमें खूब पैसा बनाया एक छोटी सी कंपनी में। देखिए, प्राइस यहाँ से उठना शुरू हुआ और कहाँ तक उठ कर गया है, तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं तकरीबन इस कंपनी का प्राइस बढ़ गया है 25 रुपये के आसपास तक। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं 25 रुपये के आसपास तक, और प्राइस उठना कहाँ से शुरू हुआ था यदि मैं इसकी बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्राइस तकरीबन 0 रुपये के आसपास से कह सकते हैं कि मतलब यहाँ से उठना शुरू हुआ था। ये मान कर चलिए कि 2-3 रुपये के आसपास के लेवल, यानी कि 2 रुपये से प्राइस बढ़ कर गया 25 रुपये तक, और ये सिर्फ 1 साल के अंदर हुआ था। बाकी के 1 साल में तो इसका प्राइस फिर नीचे की तरफ ही आने लगा। तो फिर भी जो नीचे की तरफ आ रहा था फिर भी प्राइस 25 रुपये से लेकर 5 रुपये तक आने में कुछ तो टाइम लगा हुआ। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने उतार चढ़ाव में पैसे बनाए होंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे, मान लीजिए जो लोग इसके जब प्राइस गिर रहा था तो डाउन टर्न में बाई किए होंगे, यहाँ पर बाई किए होंगे, यहाँ पर बाई किए होंगे, वो लोग भी फंसे हुए हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं कि निचले लेवल पर बाय किए होंगे कि यहाँ पर ये आके सपोर्ट लिया है तो यहाँ से प्राइस ऊपर उठेगा, उनका ऐसा मानना होगा, लेकिन वो लोग अभी देखेंगे तो फंसे हैं क्योंकि अभी इसका प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहा है। तो अब क्या हो सकता है, तो अभी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि अभी इसका प्राइस भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो नीचे की तरफ ही आ रहा है, यानी कि अभी इसके ऊपर उठने के चांसेज नहीं है और एकदम अभी अपने सपोर्ट पर ही खड़ा है। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अब यहाँ से एक मामूली सा सपोर्ट लेके अभी थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर उठे यहाँ से ऊपर, मुझे उम्मीद है कि प्राइस ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो ये आ सकता है इस लेवल के आसपास, यानी 5 रुपये के आसपास। 5 रुपये के आसपास आकर यदि कुछ दिनों तक सस्टेन करता है, प्राइस ठहरता है, तो थोड़ा एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ मिल सकता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है। क्योंकि ये जो सी कॉस्ट शिपिंग लिमिटेड कंपनी है, देखिए सबसे पहले इसके काम के बारे में आपको बताते हैं। तो सी कॉस्ट शिपिंग लिमिटेड ये लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि सिंपल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करती है। समुद्री मार्ग के माध्यम से आप देखते हैं कंटेनर में सामान लाद के जो दूसरे देशों में भेजा जाता है, यानी कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है वो ये कंपनी करती है। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। और सी कॉस्ट शिपिंग लिमिटेड का मार्केट कैप देखेंगे तो तकरीबन 92 करोड़ के आसपास, यानी कि इसको तकरीबन आप 100 करोड़ के कंपनी मानकर चल सकते हैं। शेयर प्राइस बहुत कम है, 2.75 रुपये के आसपास है, लेकिन बुक वैल्यू से ऊपर है, ये काफ़ी सही है क्योंकि शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ऊपर होना चाहिए। आरओई देखिए 5.5% के आसपास, कमाल का आरओई है, और आरओसी देखेंगे तो ये भी 10% के आसपास, जो काफ़ी बढ़िया बात है। स्टॉक का पीई भी काफ़ी कम है, 6 के आसपास, यानी कि अभी एक बढ़िया मौका है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। लेकिन मेरी कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, टोटल आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर यदि क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। सेल्स देखिए पिछले दिसंबर क्वार्टर में 111 करोड़ हुआ, जो कि उसके पिछले क्वार्टर में 109 करोड़ के आसपास था, उसके पिछले क्वार्टर में 93 करोड़ के आसपास था, यानी कि सेल्स पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है, और सिर्फ सेल्स से नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो ये है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए दिसंबर क्वार्टर में 4.61 करोड़ हुआ, उसके पिछले क्वार्टर में 3.89 करोड़ था, उसके पिछले क्वार्टर से 3 करोड़ के आसपास था, यानी कि सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो जिससे मैंने कहा कि ये जो बिजनेस है इसका काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसी की वजह से कंपनी का सेल्स प्रॉफिट और फंडामेंटल तीनों चीज़ में बढ़ोतरी होते हुए दिख रहा है, तो ये कमाल की बात है। प्रमोटर्स भी इसमें 50% से अधिक है, ये बहुत बढ़िया बात है। समान तो छोटी कंपनी में इतने मात्रा में प्रमोटर्स आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसमें प्रमोटर्स हैं, और बाकी FII या DII नहीं है, पब्लिक ही हिस्सेदारी, पब्लिक और प्रमोटर्स दो ही मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं, तो काफ़ी ये चीज़ बढ़िया है। आप देखिए सी कॉस्ट शिपिंग लिमिटेड में आपको करना क्या है, यदि आपकी पोजीशन ऊपरी लेवल पर है और ऊपरी लेवल बाय करके आप फंसे हुए हैं तो आपको अभी इसमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि प्राइस उतना भी तेज़ी से नीचे नहीं आ रहा है। और मैंने जैसे बताया कि अभी अपने एकदम सपोर्ट के पास ही ठहरा हुआ है, यहाँ से बाउंस बैक लेके प्राइस ऊपर उठेगा,
तो आप कुछ दिनों तक इंतज़ार कर लीजिए। नए लोग कुछ अभी बाई मत कीजिए। देखिए भले स्टॉक का जो पी रेशियो आपको संकेत दे रहा है इसमें बाई करने के लिए, लेकिन मेरा विचार है कि आप कुछ दिनों तक इंतजार कर लीजिए। जब तक ये वाला जो लेवल इस रेंज में फंसा हुआ है इसमें बाई मत कीजिए, हो सकता है आप फंस सकते हैं। कितना लंबा दिनों तक इसमें घूमेगा ये कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए अभी वेट कीजिए, थोड़ा सा प्राइस बाहर निकलने दीजिए, उसके बाद आप बाई कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सीकॉस्ट शिपिंग लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पेंजल वन या एम स्टॉक के साथ साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।